learn kudo. Love kudo. Kudo is a style. हाँ वही कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ. It's about a style which we have formed, kudo, and I represent kudo, and I tell people to learn that. And what these girls are learning also is based on lot of martial art and Israeli way of doing it. And इसके बारे में आपको मेहुल भी बताएंगे. मेहुल, he would like to know what kind of art they are learning. Normally what happens is that people आपको हिंदी में जानना है. हिंदी में साधारण तौर पे क्या होता है, लोग जूडो, कराटे, टाइकोंडो, वुशु वगैरह वगैरह आर्ट सीखते हैं. जो आर्ट 19वीं सदी में बने, जिनका ये 21वीं 22वीं सदी में एप्लीकेशन होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तभी लोग घोड़े पे जाते थे, जमीन पे बैठते थे, तलवार चाकू चलाते थे. आज के जमाने में जो हमारी महिलाओं को जो अटैक करता है, एसिड अटैक, शेरखानी, नाइफ अटैक, गन थ्रेट, कारजैकिंग, ये आज के जमाने में प्रॉब्लम है. वो इजरायली मिलिट्री ने 1960 में एक मार्शल आर्ट बनाया, जिसको बोलते हैं इजरायली सिस्टम ऑफ मिलिट्री साइंस. तो इजरायली मिलिट्री को सिखाया गया ताकि उनकी पूरी मिलिट्री, उनकी पूरी कॉम सिक्स डे वॉर के द्वारा छह दिन में पूरी कंट्री को रेडी कर ले. तो ये जो मार्शल आर्ट ये सीख रहे हैं, जूडो, जुजित्सु, कराटे, ऑफकोर्स है, टेक्निक्स है, बेस उनका है, पर जो रिफ्लेक्सिव डेवलपमेंट का जो साइंस है, जैसे कराटे में सिखाते हैं आपको फेस पे कोई मारे तो आप ये करो, पर हमारी लोकल ट्रेन में पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ तो हम क्या करें. तो ये सिनेरियो, इस ट्रेनिंग को बोलते हैं एड्रेनलिन इंड्यूस्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, AISRT. बहुत ही साइंटिफिक ट्रेनिंग है, आर्मी को दी जाती है, पुलिस वालों को दी जाती है. ये ट्रेनिंग देने से उनके साथ वही सब कुछ होता है जो आपकी बॉडी पे फिजिकल और मेंटल रिएक्शन रस्ते पे होता है, और कुछ आपने उसका एक नमूना देखा भी, वो रिएक्शन को हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिपीट करते हैं. आज बहुत बारिश होने के कारण, कॉम्प्लेक्स में फंक्शन होने के कारण ये ट्रेनिंग यहाँ पे लेनी पड़ी, नहीं तो ये ट्रेनिंग हम इनको रात के 2 बजे बस स्टॉप पे, मेट्रो स्टेशन पे, एलिवेटर पे, एस्केलेटर पे, स्टेयरकेस पे, गाड़ी के अंदर, जमीन पे लेटे लेटे, पार्किंग में, रेस्टोरेंट में, खाना खाते खाते, सभी पोजिशन पे कराते हैं जाके. इसका मैं शॉर्टली बोलूंगा कि 10 स्टैंडर्ड होता था, 3 टेस्ट सॉल्यूशन, आपको सिर्फ वही बुक पढ़नी है, 3 साल के कितने क्वेश्चन आए उसके आंसर. यहाँ पे रस्ते में जो हो सकता है आपके साथ वर्स्ट केस सिनेरियो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मार्शल आर्ट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इजरायली सिस्टम ऑफ मिलिट्री साइंस. थैंक यू. चल रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल एजुकेशन. वैसे ही अगर मार्शल आर्ट से सिर्फ सेल्फ डिफेंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए एट सम लेवल्स, तो मुझे लगता है काफ़ी चेंज होगा, बदला होगा. और अभी तो हमारा ये प्रयास जारी है कि अभी सरकार में नहीं है, तो सरकार में नहीं होते हुए क्या हो कर सकते हैं. तो यहाँ हमने BMC के द्वारा जो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलता है उसमें ये ट्रेनिंग चालू की है. जल्दी थाने, नासिक, अदर सिटीज़ में भी जाएंगे, तो ये तो चलता रहेगा, जहाँ जहाँ ऑप्शन है वहाँ जाएंगे. इससे कोई रिलेटेड नहीं, उसके बारे में उस वक्त ही बताएंगे. This training center and tell you all about how it is very essential for women to learn self-defense, and it's a small little initiative. It'll be great if the media puts it in front of their editors and the people. It'll be good enough because today we require it, and it is from Meri or Aditya ki taraf se ek chota sa initiative. I don't know where it is going to go. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मेरा नाम लिखिए या कुछ भी करिए. बस मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में ज़रूर लिखना कि जितने भी लड़कियाँ आती हैं या आके सीखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ सीखे या कहीं भी और सीखे, बट मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इज़ अ वेरी मस्ट, इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको शायद
कई लोगों को हल्का सा मजाक सूझेगा इस चीज़ के ऊपर, दैट्स वाई सम वियर्ड क्वेश्चंस कम इन, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी सीरियस मैटर ऑफ दिस एंड आई वुड लाइक यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट एंड फील इट फ्रॉम योर हार्ट एंड नॉट फील इट फ्रॉम द TRP पॉइंट ऑफ व्यू. Feel it from your heart. It is the most important. Thank you very much for coming, guys. Thank you. अच्छा फोटो ले लो फिर पीछे से ले लेना, तो वीडियो ले लेना, रुको अंगूठी हटाओ और से पीछे, हाँ बस तो कर ले, फिर वही वीडियो ले लो, वीडियो ले लो, वीडियो ले लो.